अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे DLED एग्जाम 2020 लेटेस्ट अपडेट। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 22 जुलाई 2020 की। बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, आज की PNP लेटेस्ट अपडेट को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद बात करेंगे DLED की परीक्षाओं पर कमेटी लेगी निर्णय, प्रवेश को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मतलब आपके एडमिशन जो नए होने वाले हैं वो कब से होंगे उसकी स्थिति स्पष्ट नहीं है। एक और अपडेट आई कि 1,72,000 DLED प्रशिक्षुओं की नहीं हुई परीक्षा, प्रोन्नत करने के लिए प्रशिक्षु चला रहे हैं ऑनलाइन अभियान। तो वही बात है दोस्तों, अभी तक आप लोग की परीक्षाएं तो हुई नहीं है और प्रमोट करने को लेकर सभी बच्चे समय ऑनलाइन अभियान चला रहे हैं, ये बात सबको अच्छे से पता है। तो इस वीडियो में और डिस्कशन होगा कि DLED प्रथम तृतीय सेमेस्टर एग्जाम डेट 2020। वैसे एग्जाम तो होगा नहीं, उम्मीद तो काफी कम है, होंगे तो आप लोग प्रमोट, लेकिन कैसे होंगे दोस्तों उसके लिए अभी आपको संघर्ष करना पड़ेगा। एक और अपडेट में बात करें कि 9 साल में पूरी नहीं हो सकी भर्ती, माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड ने 2011 में निकाली थी भर्ती। सोचिए दोस्तों, 9 साल हो चुका है अभी तक ये भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। इसीलिए दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको सरकारी नौकरी मिले तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। और कितना लंबा इंतजार हो सकता है दोस्तों, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। जैसे कि आपने यहाँ देख रहे होंगे कि 9 साल में दोस्तों भर्ती पूरी नहीं हो पा रही है। उसके बाद अगली अपडेट में बात करेंगे, अब अक्टूबर से शुरू होंगी SSC की परीक्षाएं, यह है परीक्षाओं की नई तारीख, इसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो बच्चे SSC का फॉर्म भरे थे कंपटीशन लेवल के आगे, तो उनका पेपर अब अक्टूबर से शुरू होगा, ठीक है ना। उसके बाद एक और अपडेट में कि विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में अंडर ग्रेजुएट सत्र नवंबर से शुरू होगा। तो मतलब दोस्तों अभी तक बातें हो रही थी सितंबर से आपका नया सत्र, लेकिन अभी आपका जो सत्र है वो नवंबर महीने से शुरू होने वाला है। तो तैयारी शुरू कर दीजिए, नवंबर से आपके स्कूल और कॉलेज खुलेंगे। मतलब कॉलेज स्कूल का दोस्तों देखिए अभी फीडबैक लिया जा रहा है कि स्कूल कब खुलना चाहिए, अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में, देखते हैं। जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आएगी हम आपको देंगे। सबसे पहले दोस्तों आप लोग भी DLED की मतलब जो परीक्षाएं हैं उनको प्रमोट करना है, अगर आप लोग चाहते हैं तो आप भी दोस्तों ऑनलाइन अभियान का हिस्सा बन सकते हैं और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। तो आपको शेयर कहाँ पर करना है, तो बस आपके मोबाइल फोन में जितने भी अगर आपके DLED के दोस्त होंगे, बस DLED के दोस्त, और अगर आप में DLED का ग्रुप है कोई भी कॉलेज का, तो आप उसमें इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, फायदा आपको होगा, 2019 बैच के छात्रों का भी होगा, 2018 बैच के छात्रों का भी होगा। क्या दोस्तों देखिए दिक्कतें आ रही है, प्रमोट क्यों नहीं हो पा रहे हैं आप लोग, चलिए पूरा मैटर हम देखते हैं। DLED 2019 बैच के 1,72,000 प्रशिक्षुओं को प्रवेश के लिए साल भर, मतलब प्रवेश लिए साल भर बीत चुके हैं, लेकिन अब तक पहले सेमेस्टर की परीक्षा भी नहीं हो सकी है, जबकि अब तक 2 सेमेस्टर का पेपर हो जाना चाहिए था। इसी प्रकार DLED 2018 बैच तृतीय सेमेस्टर के तकरीबन 1,65,000 प्रशिक्षुओं की स्थिति भी यही है। कोरोना के कारण परीक्षा को लेकर चली आ रही अनिश्चितता के बीच प्रशिक्षुओं में मतलब बेचैनी बढ़ने लगी है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने 23 से लेकर 28 मार्च तक दोनों बैच के सेमेस्टर एग्जाम का टाइम टेबल घोषित किया था, लेकिन लॉकडाउन के कारण परीक्षा टालनी पड़ गई। 3.5 महीने से अधिक का समय बीतने के बावजूद परीक्षा को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी के अनुसार उच्च शिक्षा में परीक्षा के संबंध में गठित विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट मिलने के बाद शासन को प्रस्ताव भेजेंगे, शासन की अनुमति मिलने के बाद ही परीक्षा के संबंध में निर्णय लिया जाएगा, ठीक है। ये दोस्तों पूरा मैटर है, PNP की तरफ से क्या अपडेट है ये आपने देखा। उसके बाद जरा देखिए, प्रोन्नत करने के लिए प्रशिक्षु चला रहे हैं ऑनलाइन अभियान। DLED 2019 प्रथम सेमेस्टर के को मतलब प्रमोट करने व द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा जल्द कराने के लिए DLED संयुक्त मोर्चा की तरफ से ईमेल अभियान चलाया जा रहा है। तो ये दोस्तों बच्चों के नाम है, ठीक है। उसके बाद देखिए, DLED की परीक्षाओं पर कमेटी लेगी निर्णय, प्रवेश को लेकर अभी भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। तो क्या पूरा मैटर, इसको जरा देखते हैं। DLED की परीक्षाओं को लेकर अभी कोई निर्णय नहीं हो पाया है। DLED के हर सेमेस्टर में स्कूलों में पढ़ाने का प्रशिक्षण होता है, मार्च से स्कूलों में छुट्टी होने के कारण अभी तक यह प्रशिक्षण नहीं हो पाया है। वही पहले सेमेस्टर के विद्यार्थियों को किस आधार पर औसत नंबर दिए जाएंगे, ये और कुछ ऐसे ही सवालों के कारण DLED के लिए एक कमेटी गठित कर पास करने का फॉर्मूला तैयार किया जाएगा। SCERT ने उच्च शिक्षा परिषद के नियमों के मुताबिक परीक्षा नियामक प्राधिकारी से प्रस्ताव मांगा है, लेकिन DLED प्रशिक्षण मतलब प्रशिक्षण का कोर्स है, लिहाजा इस पर निर्णय लेने में थोड़ी कठिनाई हो रही है। उच्च शिक्षा में आखिरी सेमेस्टर की परीक्षाएं और बाकी सेमेस्टर में प्रोन्नत करने का आदेश जारी किया गया है।
लेकिन विभाग इसे अक्षरशः मानने से बच रहा है। डीएलएड के हर सेमेस्टर में प्रैक्टिकल के रूप में स्कूलों में पढ़ाने के नंबर अलग से दिए जाते हैं। इसमें कैसे नंबर दिए जाएंगे, वही पहले सेमेस्टर के विद्यार्थियों को किस आधार पर नंबर दिए जाए, वही उच्च शिक्षा ने अभी प्रोन्नति और बाद में परीक्षा देने का नियम बनाया है। लेकिन यदि विद्यार्थी बाद में फेल हो गया तो, चूंकि इस कोर्स को करने के बाद विद्यार्थी शिक्षक बनने के लिए आवेदन करता है, इसलिए इस नियम को अपनाने से विभाग पर कई तरह की याचिकाएं हो जाएंगी। लिहाजा परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रस्ताव भेजते समय इनका ध्यान रखेगा। डीएलएड का संचालन एससीईआरटी करता है। तो दोस्तों डीएलएड का संचालन कौन करता है आप समझ चुके होंगे, एससीईआरटी। तो मतलब यहाँ से सब कुछ क्लियर होना चाहिए कि आपको प्रमोट करेंगे, क्या होगा, कैसे होगा। उसके बाद प्रवेश को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन एक बात और आपको हम बता दें, जब डीएलएड में दोस्तों ऐसी बातें हो रही, लेकिन आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि बीएड को प्रमोट करने का एक नोटिस आया था। जब बीएड के छात्रों को हम प्रमोट कर सकते हैं तो डीएलएड के छात्रों को क्यों नहीं कर सकते हैं? सवाल तो खड़ा होगा ही ना। बीएड के छात्र भी तो दोस्तों आपको पता है ना कि सहायक अध्यापक बन सकते हैं, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में असिस्टेंट टीचर। आप लोग डीएलएड करके बनते क्या है, असिस्टेंट टीचर ही तो बनते हैं ना, तो उनको कर सकते हैं। उनके लिए क्या कोई नियम कानून नहीं है, सिर्फ आपके लिए ही है। तो ये सवाल देखिए यहाँ पर खड़ा हो रहा है। उसके बाद जरा देखते हैं, डीएलएड के प्रवेश को लेकर अभी तक स्थिति साफ नहीं हो पाई है। इसकी प्रवेश प्रक्रिया जुलाई में खत्म हो जाती है और सितंबर से पढ़ाई शुरू होती है, लेकिन इस बार समय से प्रवेश प्रक्रिया होना तो दूर, अभी तक आदेश भी जारी नहीं हो पाया है। देखिए आपका आदेश कहाँ से आएगा, पहली बात ये समझिए, क्योंकि सितंबर में सबको पता है कि फाइनल सेमेस्टर या फाइनल ईयर के बच्चों का पेपर होगा। जब वो बच्चे पेपर दे देंगे, क्लियर कर लेंगे, वही बच्चे तो एडमिशन लेते हैं ना डीएलएड में। जब होगा ही नहीं तो ये बच्चे आएंगे कहाँ से, नए बच्चे, इसलिए समय लग रहा है। और कोई बात नहीं है, फिलहाल परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो काफ़ी चीज़ें आपने देखा डीएलएड के बारे में कि अपडेट्स आ रही हैं। तो अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक ना किया तो लाइक करिएगा। देखिए आप लोग को भी ऑनलाइन अभियान का हिस्सा बनना चाहिए हर जगह, इसमें फ़ायदा आपका होगा। क्योंकि देखिए अगर इस समय एक बात आपको समझनी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है सभी छात्रों के लिए, ठीक है ना। अगर आप डीएलएड कर रहे हैं तो ये बात ज़रूरी है। आप फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र हो सकते हैं या थर्ड सेमेस्टर के छात्र होंगे। फर्स्ट के होंगे दोस्तों, तो आपको पता है, इसमें आपको बता दें कि बहुत से जिलों में इस समय दोस्तों सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की टीचिंग शुरू हो चुकी है। यहाँ बात हो रही थी टीचिंग शुरू नहीं हुई है, तो ऑनलाइन व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से 10-10 बच्चों का नंबर लेकर टीचिंग शुरू कराई जा रही है। तो जैसे ये टीचिंग कंप्लीट होगी, उसके बाद जो बच्चे फर्स्ट वाले सेकेंड की तो तैयारी तो हमको नहीं लगता कुछ किए हैं, उसके बाद आपका थर्ड सेम का क्लास शुरू हो जाएगा ऑनलाइन। थर्ड वाले बच्चों की फोर्थ सेमेस्टर की टीचिंग चल रही है, मतलब टीचिंग के बाद इनका डीएलएड समाप्त तो माना जाएगा, बस आपका पेपर होना बचेगा। तो कुल मिला के आप एक बात समझ रहे होंगे कि अब आपका डीएलएड थर्ड सेमेस्टर या 2018 बैच का लगभग कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट सेमेस्टर वाले छात्र थर्ड की तैयारी करेंगे एक महीने के बाद। अगर इनको फर्स्ट में प्रमोट नहीं किया जाएगा, सेकंड में कुछ नहीं बताएंगे कैसे क्या होगा, तो ये बच्चे हो जाएंगे मानसिक तौर पर परेशान। वैसे भी काफ़ी बच्चे परेशान हैं, क्या पढ़ें जी हाँ दोस्तों, ये सवाल तो कभी उठना ही नहीं चाहिए था कि हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। लेकिन ऐसी स्थिति दोस्तों इस समय पीएनपी ने कर दी है छात्रों में कि कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा कैसे होगा। हर जगह दोस्तों आपने देखा होगा विश्वविद्यालय में सभी छात्रों को प्रमोट करके बात खत्म की गई, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सब जगह। तो यहाँ पर भी किया जा सकता है, देखिए प्रमोट करने का आधार क्या बनेगा। फर्स्ट में प्रमोट कर देंगे कोई दिक्कत नहीं, थर्ड का दोस्तों मतलब जब सेकंड सेमेस्टर का पेपर देंगे, जो नंबर उनका आएगा वो फर्स्ट में दे दिया जाएगा, बात खत्म हो जाती है, सिंपल सी बात है। जो 2018 बैच था उनको सेकेंड सेमेस्टर के अनुसार प्रमोट कर दे, बात खत्म हो जाती है वहाँ पर भी। इनकेस अगर कोई छात्र फर्स्ट का सेकेंड में प्रमोट हो जाता और सेकेंड में वो फेल हो जाता तो क्या होगा, क्या फर्स्ट में भी फेल माना जाएगा? जी हाँ दोस्तों, फेल माना जाएगा तब तक जब तक वो सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षा को पास नहीं कर लेता। चलिए पहली बार में फेल हो गया, दूसरी बार पेपर देगा तब पास हो जाएगा, तब फिर जब वो पास हो गया तो फर्स्ट वाला भी पास माना जाएगा। ये पूरा मैटर है बस, और कुछ है नहीं। यूजीसी गाइडलाइन में साफ साफ मेंशन किया गया है। देखिए दोस्तों ये अपडेट आई थी कि विश्वविद्यालय और कॉलेजों में मतलब अंडर ग्रेजुएट सत्र नवंबर से शुरू हो जाएगा। यदि कोई बड़ा उलटफेर नहीं हुआ तो विश्वविद्यालय व कॉलेजों में अंडर ग्रेजुएट का सत्र अब नवंबर से और पोस्ट ग्रेजुएट का सत्र दिसंबर से शुरू होगा। हालांकि अंडर ग्रेजुएट व पोस्ट ग्रेजुएट के दूसरे और तीसरे वर्ष के छात्रों की पढ़ाई अगस्त से ही शुरू हो जाएगी। यह शुरुआत घर में बैठे ऑनलाइन तरीके से कराई जाएगी, लेकिन कोरोना संक्रमण की स्थिति सामान्य होने के बाद यह पहले की तरह क्लासरूम में के जरिए मतलब होगी। फिलहाल यह फैसला विश्वविद्यालय पर छोड़ा गया है। कोरोना संक्रमण के चलते बंद पड़े विश्वविद्यालय और कॉलेजों की शैक्षणिक ठीक है गतिविधियों को फिर से शुरू करने को लेकर प्रोफेसर
आरती कुहाड़ की अगुवाई में गठित यूजीसी की उच्च स्तरीय कमेटी ने यह सिफारिश की है। ठीक है, फिलहाल इन सिफारिशों को अंतिम रूप देने के लिए यूजीसी बोर्ड के सामने रखा जाना था, लेकिन विश्वविद्यालयों के अंतिम वर्ष की परीक्षाओं का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने के चलते यूजीसी ने इसे कुछ दिनों के लिए टाल दिया है। जी हाँ दोस्तों, हमने आपको बताया था कि जो अंतिम वर्ष या अंतिम सेमेस्टर का पेपर होने वाला था उसको छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। चैलेंज दोस्तों इसलिए किया गया कि भाई कोरोना वायरस इतना तेजी से बढ़ रहा है, इन केस अगर किसी छात्र को कुछ हो गया या कुछ हो सकता है कि देखिए सिंपल सी बात है, सबको कोरोना से बच नहीं पाएंगे, सभी लोग जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर होगा वो उनके लिए तो दिक्कत होगी ना। हमारे देश में दोस्तों पिछले 24 घंटे में 39,000 से अधिक मामले दर्ज हुए कोरोना के, 671 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। तो दोस्तों अब समय आ चुका है कि सरकार को कुछ बड़ा फैसला यहाँ पर लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये मामले देखिए रोज बढ़ते ही चले जाएंगे। और अब एक एक दिन में दोस्तों जब 35,000 या 40,000 के करीब मामले आते हैं ना, तो फिर देखिए दिक्कतें बढ़ती हैं किसी भी देश के लिए। तो क्या होगा दोस्तों, सारी अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे डीएलएड से संबंधित। तो फिलहाल अभी देखिए आप लोग पेपर की तैयारी करते रहिए। अब आप कहेंगे कौन से सेमेस्टर की हम तैयारी करें, तो सिंपल सी बात है दोस्तों, अगर आपकी प्रथम सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर की तैयारी पूरी हो चुकी है ठीक है, तो आप सेकेंड और फोर्थ की करिए। अगर आपको लगता नहीं यार कि फर्स्ट की भी तैयारी अधूरी है, थर्ड वाली अधूरी है, तो आप उसकी भी तैयारी कर सकते हैं। प्रमोट करने को लेकर दोस्तों बातें चल रही हैं, हुए नहीं है प्रमोट आप लोग, बस ये भी ध्यान आपको रखना है ठीक है ना। यहाँ पर साफ साफ दोस्तों मेंशन किया गया है कि डीएलएड की दोस्तों जो परीक्षाएं हैं अभी उस पर जो कमेटी होगी वो निर्णय लेगी, प्रोग्रेस को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है, मतलब दोस्तों पेपर हो गया या नहीं कमेटी बनाई जाएगी और वो इसका अंतिम निर्णय लेगी। लेकिन फिलहाल आप लोग सोशल मीडिया पर अपना अभियान चलाते रहिए कि सरकार तक दोस्तों ये मैसेज पहुंचे और आपको प्रमोट किया जाए। परीक्षा को लेकर जितनी भी लेटेस्ट अपडेट्स आएंगे हम आपको देते रहेंगे समय समय पर ठीक है ना। लेकिन हाँ, इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, आप लोग शेयर करना भूल जाते हैं जैसे कि आपकी आवाज़ दबती है। देखिए होता क्या है कि आप अपने एक दोस्त को शेयर करेंगे, वो दोस्त अपने दो और दोस्तों को करेगा, तो ये बात दूर तक पहुंचती है। तो फिलहाल जैसे कि हमने आपको बताया कि सभी छात्र प्रमोट हो चुके हैं, तो अब आप ही लोग की बारी है, आप लोग भी प्रयास करेंगे तो डीएलएड के छात्र भी प्रमोट हो सकते हैं ठीक है। सोशल मीडिया की आपने पावर देखी कि कुछ ही दिनों में दोस्तों डीएलएड की मतलब परीक्षा होगी यानी उस पर कमेटी दोस्तों गठित हो चुकी है या होने वाली है, उस पर निर्णय किया जाएगा, ये सब पूरा मैटर हो रहा है। लेकिन कुछ दिन पहले तक दोस्तों कुछ नहीं हो रहा था डीएलएड को लेकर, समय बदल रहा है, सोशल मीडिया में पावर बहुत ज़्यादा है, सरकार तक अगर आपकी बात पहुँचेगी तो डेफिनेटली इस पर कुछ ना कुछ फैसला किया जाएगा। जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आएगी हम आपको वीडियो के माध्यम से देते रहेंगे। फिलहाल आप लोग अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहिए ठीक है। उसके बाद आपका एक और सवाल होगा कि यार जो दिसंबर में यूपी टेट सी टेट का पेपर होने वाला था वो हो गया या नहीं। जी हाँ दोस्तों, वो सब पेपर होंगे, उसको लेकर आप परेशान मत होइए, क्योंकि अभी इधर के जो पेपर थे उसको पोस्टपोन किया गया है। अक्टूबर और जेई के पेपर आपने देखा होगा, नीट का पेपर सब सितंबर में गया है, उसके बाद अक्टूबर में दोस्तों आपकी एसएससी की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। तो हमारा यूपी टेट और सी टेट की जो परीक्षा थी वो दिसंबर में होती थी, तो वो सब पेपर होगा ठीक है, उसको लेकर आप परेशान बिल्कुल मत होइए। जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आएंगे हम आपको देते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में और भी अधिक अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। फिलहाल आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए ठीक है ना, फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।